देखिए मेरा नाम प्रिंस आदवंशी है, मैं FFW रेसलर हूँ, इंटरनेशनल रेसलर हूँ। तो मैं मुझसे ये दुख देखा नहीं गया, कितने दिन हो गए और कितनी सर्दी है, इतनी सर्दी में ये लोग यहाँ आए। और आप समझ सकते हैं, ये सरकार को समझना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। और अगर ये वापस नहीं लिया गया तो ये मेरा टाइटल है हैवीवेट चैंपियन का, ये मैं इसको वापस दूंगा FFW के द्वारा। इस टाइटल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये हैवीवेट चैंपियन का टाइटल है और मुझे नहीं चाहिए ये टाइटल। पहले आप इनकी बातें सुनिए, कितनी तकलीफ में है ये लोग। हाँ तो पड़ेगा ना, छोटा टाइटल थोड़ी है ये, हैवीवेट चैंपियन का टाइटल है FFW से। तो ये वापस लेंगे तो फिर, क्योंकि अगर यही चलता रहा ना तो फिर मुझे इस टाइटल की जरूरत नहीं है। वही खून पसीना किसान जमीन का सीना चीर के जब अनाज उगाता है, वैसे ही हम रिंग में अपना खून पसीना एक करके ये टाइटल जीतते हैं। तो ये टाइटल जब हम जीतते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, पूरी टीम आज यहाँ है इसलिए कि किसानों को हक मिले, उस हक के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और प्यार से दे दें, ठीक है, नहीं तो फिर आप बता दो एक बार कैसे लेंगे। अब सरकार ये बिल कह रही है ये बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्यों उतर रहे हैं रोड पे, आप ही बताइए क्यों उतर रहे हैं हम लोग रोड पे, इतने दिन से क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर छोड़ के, आप खुद ही बताइए। सरकार यदि कह रही है ये बिल बहुत सही है तो बाकी सबको क्यों नहीं समझ आ रहा, सिर्फ सरकार को ही समझ आ रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों? इसको वापस ले लो यार, अब खिलाड़ी भी उतर आए अब तो मैदान में। मैं तो सिर्फ एको गल कहवांगा कि ना छेड़ो, एक बारी जे छेड़ गए तो फिर बहुत भारी पै जाना थोनू। सरकार नू एको बेनती है, चुप चाप करके अपना बिल वापस कर ले, क्योंकि बहुत महंगा पै सकता है चीज। एको लाइन बोलांगा, जिथे मुकदी है मजनूआ रांझिया दी, वो तो शुरू होंदी दास्तान साडी, साडे लड़द्या लड़द्या सिर लै गए, साडे जिसम चो गई ना जान साडी, वखरे रहा जिसम साडा पर सी ना कहा जबान साडी, वो लोकी तरदे वेखे ने चिना आए अंदर, असी लहू अंदर लाइया तारिया ने, साडे प्यार नू परखिया रंभिया ने, वो साडे इश्क नू परखिया आरिया ने, जिथे मुकदी है मजनूआ रांझिया दी, वो तो शुरू होंदी दास्तान साडी, साडे लड़द्या लड़द्या सिर लै गए, साडे जिसम चो गई ना जान साडी, साडे जिसम चो गई ना जान साडी। जब हित में कह रहे हैं तो किसान उस चीज से खुश ही नहीं है, या तो बात ये हो ना किसान उस चीज को लेके खुश हो, जब वो उस चीज को लेके खुश ही नहीं है कि हमें वो आज तक सरकारें उनका यूज करते आई है किसानों का आज तक, और आगे भी आने वाले टाइम में ये और ज्यादा और ज्यादा, मतलब ये एक ना साजिश है कि ये क्यों कर रहे हैं, जानबूझकर करा जा रहा है। इस चीज को हटाएं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हटाएं, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। सारे पहलवान खड़े हैं, पहलवान छोड़ो, जितने हिंदुस्तान के जितने रेसलर्स हैं और सबसे बड़ी FFW की टीम खड़ी है, कहीं पे भी परेशानी आएगी तो ठोक देंगे, याद रखना इस बात को। जिंदाबाद। मेरे साथ रोको है, सिंगा है, FFW के फाउंडर चेयरमैन है वीर सचिन आदवंशी, पूरी टीम FFW की यहाँ मौजूद है आज की डेट में। आइए मेरे साथ सिंगा है, और सिंगा ये पहले सिख रेसलर है भारत के, और यहाँ पे और भी बहुत सारे रेसलर हैं, जैसे शिवा है, बहुत सारे रेसलर हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये टीम यहाँ आने का मकसद है किसानों को न्याय मिले, न्याय मिलेगा तभी हमारी पहलवानों की टीम भी पीछे हटेगी, वरना हम भी कंधे से कंधा मिला के आगे खड़े हैं। भाई मुझे तो किसी विपक्ष वाले ने नहीं भड़काया, मैं किसी पार्टी को नेतृत्व करने नहीं आया यहाँ, मैं सिर्फ किसानों के लिए आया हूँ, क्योंकि ये खिलाड़ी मेरा, मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी का जो दिल होता है ना वो किसानों के जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो इसीलिए वो फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ। तो सरकार को मैं यही कहूँगा, फीलिंग को थोड़ा समझ लो, इस फीलिंग से खिलवाड़ मत करो, रिक्वेस्ट है, होनी पड़ेगी, टस्सेमस होगी, और टस्सेमस नहीं होगी ना तो मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, यहाँ पहलवानों की भीड़ होगी और कुछ नहीं होगा। तो समझा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, भाई समझा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझ क्यों नहीं आ रहा, हमें पता है ना भाई ये ठीक नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। आ तो करा लो ना भाई, खाली आ जाओ, करा लो खाली। सरकार का कोई ना कोई फायदा है इसलिए सरकार लड़ी हुई है, मैं तो यही कहना चाहूंगा इस बारे में। बाकी आप अच्छे से जानते हैं, इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर, भाई क्यों नहीं मान रहे हैं बात, बात मान लीजिए,
आके हमें बताइए, सरकार कोई भी हो मुझे सरकार से नहीं लेने देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो भी प्रेजेंट है सरकार, उस सरकार कार्रवाई करे, नहीं की तो फिर हम तो यहाँ है ही। जहाँ तक कैसा लग रहा है कि सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन खालिस्तानी वाली बात कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब झूठ तूफान है भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो हम क्यों माने ये बात है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार मान जाओ, हमें बौखलाने पे मजबूर मत करो। ये तो सारे रेसलर तो आज यही है, 17 तारीख का बोल रहे हैं ना, हटा देंगे 17 तारीख आने, तो 17 तारीख में हम भी यही हैं, आप भी यही हैं और सब यही है, देखी जाएगी 17 तारीख भी। प्रिंस आदवंशी द किंग ऑफ एग्रेशन, FFW सुपरस्टार रेसलर, लेना तो उनको पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनका हौसला, जितने बुजुर्ग किसान हैं, ये किसान हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये कि ये साबित हुआ है कि हरियाणा और पंजाब में जो पहले कहते थे कि जोड़े कटाव है कुछ है, वो नहीं है, पता चल रहा है दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई साथ खड़े हैं, सामने पता चल रहा है इस चीज का, सब कुछ साबित हो चुका है, सामने चैम्बर लगा दिए गए हैं। क्यों लगा दिए गए हैं, वीडियोस क्यों नहीं जा पा रही बार? आपके माध्यम के चैनल ही हैं जिनके थ्रू आप ये दिखाना चाह रहे हैं, जो नेशनल चैनल है वो कहाँ पर है इस टाइम? दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई भी, लोकल चैनल दिख रहे हैं, क्यों साथ खड़े हैं? साथ खड़े हैं, पता चल रहा है साथ खड़े हैं, यही कहना चाहूंगा। बताइए, देखिए हम सरकार का सम्मान करते हैं, हर तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम पे बात आएगी तो आप समझ जाइए फिर आगे मैं क्या कहना चाहूंगा, बाकी आपको बताएंगे FFW के वीर फाउंडर चेयरमैन जो है वीर सचिन आदवंशी। देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान जो है वो सबकी जरूरतों को पूरी करता है, तो सरकार को एक चीज़ करनी चाहिए कि जब किसान सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है तो किसान की ज़रूरत का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा लंबे चौड़ा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बिल को वापस लिया जाए और जितने भी लोग धरने पे बैठे हैं इन सबको शांतिपूर्वक इनका मान सम्मान वापस लौटाया जाए, बस दैट्स इट। अगर ये बिल किसानों के हक में होता तो शायद किसान प्रोटेस्ट नहीं करते इसका, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा काम कर रही है सरकार और ये भी अच्छा काम करे कि किसानों की जो मांग है उसको पूरा करे और इस धरने को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। देखिए बच्चा जब रोता है ना तो भूखा होता तभी रोता है, तो आज ये जो जाम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कोई मजबूरी में किया जा रहा है सारा काम, अपनी बात मनवाने के लिए किया जा रहा है, तो जो भी कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, प्रशासन को भी थोड़ा नरमाई बरतनी चाहिए। और कितने लोगों को, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और किसानों को देखिए कि कितने उनके खाने का सोने का सब सुविधाएँ किस तरीके से उनको मिल रही है, वो सब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो सभी लोग तकलीफ़ में हैं और इस तकलीफ़ को जल्दी से जल्दी सरकार को, शासन में बैठे तो सरकार को ख़त्म करना चाहिए। मुट्ठी भर लोग, इस बात का जवाब यही है कि अगर 10 सरदार भी खड़े हो जाए ना यहाँ पे और एक बार भी जो बोले सोने हार का जकारा छोड़ दें तो वो ना 500 के बराबर लगते हैं, 500 सिंहों के बराबर, जानते हो, जो बोले सोने हार, श्री अकाल, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं प्रूफ देता हूँ सामने, प्लीज पीछे अपने ले लीजिए, सरदार असरदार और FFW टीम साथ में खड़ी है, एनी टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी साथ में खड़ी है।